हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और एडिट बॉक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एडीएस के अंदर शिव द डेट का प्रोजेक्ट, जो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। तो दोस्तों, पहले हम इस प्रोजेक्ट का डेमो देखेंगे, बाद में इसको कैसे एडिट करना है वो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा टाइटल का डेमो। अब हम इसे एडिट करते हैं। तो इस पहले इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। क्लोज़ करने के बाद दोस्तों, ये जो हमारा डेस्कटॉप पे जो फोल्डर पड़ा हुआ है, जो आप लोग डाउनलोड करोगे, तो इसकी पहले हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर हम इसकी साइज देख सकते हैं। 422 MB का ये टाइटल है दोस्तों। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको गूगल में टाइप करना पड़ेगा विनारा, जो आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इंस्टॉल कर देना है आपको। इंस्टॉल करने के बाद ये जो टाइटल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और विनारार में जाके एक्सट्रैक्ट टू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमारा फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो 507 MB का ये टाइटल का प्रोजेक्ट है हमारा। इसको ओके कर लेते हैं। दोस्तों, ये टाइटल EDS के किसी भी वर्जन में ओपन हो जाएगा, चाहे वो 7 हो, 8 हो या 9 हो। तो दोस्तों, अब हम इसको एडिट करते हैं। तो मैं पहले EDS को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने EDS को ओपन कर लिया है। यहाँ पर ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपका टाइटल हो उसको ओपन कर देना है। जैसे कि ये टाइटल का प्रोजेक्ट है, सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद ओपन पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों, ये मेरा
टाइटल ओपन हो गया है ADS के अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मेरा टाइटल ओपन हो गया है। अब हमको इस टाइटल के प्रोजेक्ट में टाइटल का पेज एडिट करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर एडिट बॉक्स लिखा हुआ है, उसके अंदर मैंने दो फोल्डर बनाए हुए हैं। एक फोल्डर है फोटो वाला और दूसरा होल्डर है टेक्स्ट वाला। तो अगर आपको कोई भी टाइटल का पेज एडिट करना है तो टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी पेज आप देख रहे हो ये सब टाइटल के पेज है। तो दोस्तों इस टाइटल के पेज को एडिट करने के पहले आपको फोटोशॉप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। फोटोशॉप कोई भी चलेगा, CS3 हो, CC हो या फिर CC 2019 हो, 20 हो, कोई भी फोटोशॉप चलेगा। ये टाइटल के पेज उसमें बनाए हुए हैं इसलिए हमको फोटोशॉप की आवश्यकता होगी। तो पहले दोस्तों आप फोटोशॉप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद ही ये सब टाइटल के पेज एडिट होंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये पेज पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद ओपन पे जाऊँगा। तो दोस्तों आपका जो फोटोशॉप है जो आपकी सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर जो हमारा टाइटल का पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस टाइटल के पेज में आपको किसी को भी एडिट करना हो उसके पर डबल क्लिक करना है। जैसे कि मुझे ये लड़की का नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया है सुमन। तो दोस्तों टाइपिंग करने के बाद आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद सेव पर क्लिक करना है या तो फिर आप Ctrl+S भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें इसको क्लोज कर देना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो पहले नाम था वो चेंज हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस टाइटल के किसी भी पेज को एडिट कर सकते हो। अब हम दोस्तों फ़ोटो को चेंज करेंगे। तो फ़ोटो को चेंज करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो बिन के अंदर मैंने एक फोल्डर दिया हुआ है एडिट बॉक्स, उसके नीचे फ़ोटो वाला जो फोल्डर है ये सब फ़ोटो मैंने इस टाइटल में यूज़ किए हुए हैं। तो इसके अलावा सिक्वेंस में भी मैंने सब फ़ोटो डाले हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे ये दो नंबर वाला फ़ोटो चेंज करना है। तो यहाँ मैं जाऊँगा दो नंबर सिक्वेंस पे, फ़ोटो 002 वाले सिक्वेंस पे, यहाँ मैंने क्लिक किया। अभी दोस्तों आप देख सकते हो ये फ़ोटो यहाँ पर सेट किया हुआ है। अभी मुझे ये फ़ोटो चेंज करना है तो क्या करूँगा, पहले मैं बिन में जाके डबल क्लिक करूँगा। जो भी फ़ोटो आपको चेंज करना है वो फ़ोटो आप यहाँ पर ओपन कर लो। ये वाला फ़ोटो सेट करना है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मुझे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी पर क्लिक कर देना है या तो फिर Ctrl+Insert भी आप क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करूँगा। कॉपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारा फ़ोटो दिख रहा है उसके पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रिप्लेस में जाना है और क्लिप पे जाना है। रिप्लेस में जाके क्लिप पे क्लिक कर देना है या तो फिर आप Shift+R भी प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा पुराना वाला फ़ोटो था वो चेंज होके जो मैंने नया फ़ोटो ओपन किया था वो फ़ोटो यहाँ पर आ गई है। अब हम दोस्तों इस फ़ोटो को सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंफॉर्मेशन में जाना है। इंफॉर्मेशन में जाने के बाद लेआउट पे डबल क्लिक करना है। तो दोस्तों इस फ़ोटो को मैं थोड़ा
बड़ा कर देता हूँ। तो ये मैंने दोस्तों फोटो को सेट कर दिया है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। ये मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। ओके पर क्लिक करने के बाद एडिट बॉक्स फाइनल सीक्वेंस में हमें जाना है। जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो जो हमने फोटो नया फोटो जो लाया हुआ था वो फोटो यहाँ पर सेट हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस टाइटल के किसी भी पेज को एडिट कर सकते हो और इस टाइटल के किसी भी फोटो को आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ये टाइटल आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और एडिट बॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि जो हमारा नया वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलता हूँ, जय हिंद।